हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट क्लास 11 इकोनॉमिक्स का हम वो कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है हमारा, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो जो हमारा टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस टुडे इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अब देखिए, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये है मोनूलाल। अब जो थे मोनूलाल जो थे पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे और इनकी लग जाती है सरकारी नौकरी। और भैया सरकारी नौकरी लगते फिर तो जिंदगी में ऐश ही ऐश है, फिर तो किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है ऐसा समाज को लगता है। तो इनकी नौकरी लग जाती है और सरकारी नौकरी लगती है इनकी 30,000 पर मंथ की। आप इमेजिन कर लो कि 30,000 पर मंथ जो थे हमारे भैया कमाने लग गए। बट अब समस्या क्या आई कि जैसे ही इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी इनको ऑफर आ गया एक प्राइवेट कंपनी से, और प्राइवेट कंपनी जो थी वो इनको ऑफर कर रही थी 40,000 पर मंथ। अब आप बताओ भाई कि जो हमारे ये मोनू भैया हैं ये सरकारी नौकरी में जाएंगे 30,000 पर मंथ में या प्राइवेट नौकरी में जाएंगे? बेटा मोनू भैया ने चुनी सरकारी नौकरी क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फायदे हैं ना वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी चीज, ये जो प्राइवेट कंपनी थी ना बेटा ये बहुत दूर पड़ रही थी उनके लिए, तो उनके आने जाने के बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते, तो उन्होंने सोचा कि सरकारी नौकरी चाहिए। बहुत सारी चीजें थी, ये तो था ही, चलो ठीक है 10,000 रुपये कम है कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेरी एक प्रेमिका है मान लो, उनके पिताजी को चाहिए था, जो उनके पिताजी थे, कि हाँ जो हमारा बालक होगा, सॉरी जो हमारा दामाद होगा वो क्या होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा। तो अब इस केस में इसने क्या करा, इसने 30,000 की नौकरी के लिए 40,000 की नौकरी छोड़ दी। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये 30,000 का बंदा है तो और ऑफर नहीं आए होंगे, 10,000 की नौकरी के भी ऑफर आए होंगे, 5,000 की नौकरी के भी ऑफर आए होंगे। बट इन्होंने चुना क्या, इन्होंने चुना 30,000 रुपीज पर मंथ, ये इन्होंने चूज किया। अब इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था कि उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे होंगे। अब यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आता है वो आपसे क्या कहता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि जो भी आपने चूज किया ना उसका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसका क्या था। मान लो मोनू भैया ने क्या चूज किया, 30,000 पर मंथ चूज किया। अब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता, अगर उनको 30,000 की जॉब नहीं मिलती तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता आपका 40,000 पर मंथ का। तो अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 40,000 पर मंथ। आई तो और भी थी ऑफर, हमने देखा 10,000 का भी ऑफर आया था, 5,000 का भी ऑफर आया, बट वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सो जो उस चीज का ऑल्टरनेट हो सकता है, ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट शुड बी जो आपका लाइक क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी कि जो ऐसा सब्स्टिट्यूट होगा आपके लिए, क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपका कि जैसे टी है, ठीक, अब टी का जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट आप किसे बोल सकते हो, आप कॉफी को बोल सकते हो कि कॉफी इज क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ टी। सो अगर टी की कॉस्ट मान लो 20 रुपये है और कॉफी की कॉस्ट क्या है, कॉफी की कॉस्ट है 25 रुपये, तो टी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, तो टी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होगा जो कॉफी की कॉस्ट है, यानी कि 25 रुपीज। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो जो भी कॉस्ट होगी आपके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट की। कंपनीज के लिए क्यों जरूरी है कि मान लो बहुत सारे ऑफर थे उनके पास, दे हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम या एनी टू ऑफ देम, जो भी वो चूज कर रहे हैं। सो जो नेक्स्ट चीज होगी ना वो दे हैव टू टेक केयर कि हाँ आपने क्या चीज सेक्रीफाइस करी इस चीज के लिए, तो वो उनको पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में बाय चांस अगर उनको उस पर जंप आउट करना हो तो उनके दिमाग में जो पिक्चर है वो क्या रहेगी, वो क्लियर रहेगी। सो नेक्स्ट इज आपका, हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक इसके अंदर है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ
इकोनॉमी। अब देखो, अगर हम यहाँ पे इकोनॉमी के टाइप की बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमीज होती हैं। अब वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमीज में वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लाइक। अब देखो, अगर आप इंडिया की इकोनॉमी की बात करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी किस टाइप की है? इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? इंडिया की इकोनॉमी को हम बोल देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। पर इस मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इकोनॉमी होगी तीन टाइप की, 1, 2, 3। फर्स्ट टाइप की इकोनॉमी होती है दैट इज सेंट्रल बेस्ड, या फिर यू कैन से दैट इज सेंट्रली एक्टिव इकोनॉमी। दूसरी होती है मार्केट इकोनॉमी और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। एक्चुअली में तो ये दोनों ही होती हैं, सेंट्रल एंड मार्केट। मिक्स्ड हम नया कंसेप्ट जो है वो लेके आ गए हैं। अब इसका मीनिंग हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। देखो, जो वर्ड है सेंटर, सेंटर का मतलब क्या है? अब देखो, सेंटर का मतलब है आपका जो गवर्नमेंट जिस चीज पे वर्क कर रही है, या फिर जिस चीज को किसने करा है, गवर्नमेंट ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर सरकार ही फैसले लेगी किसी भी बड़ी छोटी चीज के, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या है कि मान लो जो ये गवर्नमेंट है, मार्केट से रिलेटेड सारे फैसले कौन ले रही है? मार्केट से रिलेटेड जो सारे फैसले हैं, मार्केट से रिलेटेड क्या कि किस चीज के रेट कितने रहेंगे, किस चीज का कंपटीशन कितना रहेगा, किस चीज की जरूरत मार्केट में है नहीं है, ये सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? ये सब कुछ आपका सेंटर डिसाइड करता है। तो दैट बिकम्स सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब इसका ही अपोजिट जो हो जाता है वो टोटल हो जाता है मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब है? मार्केट इकोनॉमी मीन्स दोज इकोनॉमी जिस पे जो रूल है वो किसका चल रहा है? वो चल रहा है मार्केट फोर्सेस का। अब मार्केट फोर्सेस कौन? मार्केट फोर्सेस लाइक जो डिमांड है। मार्केट फोर्सेस की अगर हम बात करें तो मार्केट फोर्सेस में क्या क्या आ जाता है? जो डिमांड है वो किस चीज की कितनी है, जो सप्लाई है वो किस चीज का कितना जा रहा है, ये सब चीजें मार्केट में जो भी डिमांड सप्लाई चल रहा है, जब फैसला यहाँ से आता है और जो गवर्नमेंट है उसमें ना के बराबर इंटरफेयर करती है, यानी कि नो इंटरफेरेंस, मार्केट जो चल रहा है चलने दो, तो वो क्या हो जाएगा? वो फिर मार्केट इकोनॉमी हो जाएगा। और सबसे लास्ट में मिक्स क्या है? जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू कर रही है जिसे, दैट इज मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी। मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होता है कि जिसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट भी पार्ट ले रही है और थोड़ा सा इसके अंदर मार्केट भी पार्ट ले रहा है। वो मार्केट को फैसला लेने देते हैं, वो डिमांड सप्लाई को फैसला लेने देते हैं कि जितना रेट होगा, बट कहीं लगता है बहुत ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट घुस जाएगी, कहीं लगेगा बहुत कम हो गया तो वापस से गवर्नमेंट घुस जाएगी। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर है। सो इस चैप्टर में मेजरली यही चीजें हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, एंड हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं हर उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर